YouTube चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों का बॉयलर्स होते हैं जो कि स्टीम पैदा की जाती है, ठीक है। तो उनमें हमारा जो स्लज हो जाता है, स्लज जम जाता है या स्केल्स टाइप का जम जाता है, जैसा कि आप लोगों को फिगर्स में दिखाई दे रहा है। ये आपका स्लज जो कि जम रहा है ये, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है और फॉर्मिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्लज के बारे में और स्केल के बारे में जान लेते हैं। तो स्लज, पहले तो हम थोड़ा सा इसमें बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉयलर्स का प्रयोग क्या करते हैं, किस में करते हैं, भाप जो कि स्टीम होती है उसको उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। अनेक रासायनिक उद्योग जैसे चमड़ा, कागज़, चीनी, शीतल और आपका पेय आदि, मतलब जो कि शीतल पेयजल होता है उसमें भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। यदि बॉयलर में कठोर जल का यूज किया जाए, मतलब इसमें क्या कह रहा है, जबकि कठोर जल जो कि हार्ड वाटर होता है उसका यूज किया जाए, तो बॉयलर में क्या होता है, भीतर की सतह पर पपड़ी जमने लगती है, ठीक है। क्या जमने लगती है, पपड़ी जमने लगती है। वो दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, अब बात आती है, हमारा पहली प्रकार होता है स्लज और स्केल, ठीक है। दो प्रकार की पपड़ी जमने लगती है जब हम किसी बॉयलर में हार्ड वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि पपड़ी कब जमती है और क्यों जमती है, तो ये हार्ड वाटर का यूज करने से होता है। तो इसमें हम पहले स्लज के बारे में जान लेते हैं, स्लज कैसे जमता है। बॉयलर की भीतरी सतह पर मुलायम हुआ न चिपकने वाली पपड़ी बनती है, मतलब जो कि बॉयलर में होगी वो मुलायम सी होगी और जो पपड़ी होगी वो चिपकेगी नहीं उसे बॉयलर से, ठीक है। तो वह स्लज हो गया, ठीक। उसके बाद हमारी आती है स्केल। स्केल में क्या है आपका, कि स्केल में ये दिया गया है कि बॉयलर की भीतरी सतह पर चिपचिपी तथा कठोर पपड़ी बनती है, उसे स्केल कहते हैं। मतलब वो चिपचिपी नहीं थी, ये चिपचिपी होगी। तो हमारी हम पहचान कैसे करेंगे, अगर हमारी चिपचिपा पदार्थ अगर चिपक रहा है उसमें, ठीक है, हार्ड वाटर यूज करने में, तो हमारी स्केल होगी। और जो मतलब चिपक नहीं रहा, चिपचिपाहट नहीं आ रही है उसमें, तो हमारी क्या होगी, वो स्लज होगी, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए। फिर उसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं, से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सपोनेट और चूना होता है आपका, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट आदि यौगिकों द्वारा बनने वाली पपड़ी स्केल के रूप में होती है, ठीक है। और जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट और नाइट्रोजन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे होती है, ये स्लज के फॉर्म में होती है। ये स्लज वाली है इसका, ये स्लज के फॉर्म में जमती है और ये क्या है आपके, स्केल के फॉर्म में जमती है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता चल गया हमारी स्केल और स्लज के बारे में। थोड़ा अब इसके अब ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग एंड प्रेमिंग। फॉर्मिंग क्या होता है और प्रेमिंग क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो कि हार्ड वाटर होता है उसके साथ, हम हार्ड वाटर के साथ अगर साबुन को, मतलब साबुन के साथ क्रिया कराएंगे, तो वो हार्ड वाटर होगा, हमें फॉर्मिंग नहीं पैदा करेगा, जैसे झाग, ठीक है। झाग जानते हो आप लोग, जैसे साबुन का फॉर्म बनता है उसमें, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि बॉयलर में हार्ड वाटर का प्रयोग करने से फॉर्मिंग और प्राइमिंग की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मिंग और प्राइमिंग की अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो नंबर एक क्या होता है हमारी फॉर्मिंग, पहले पढ़ते हैं फेनल जो कि होता है हार्ड वाटर का ओरिजिनल कंपाउंड, जो ओरिजिनल कंपाउंड जैसे बस अम्ल, अन्य एल्कोहल आदि उत्पन्न हो, तो बॉयलर में क्या होता है, हार्ड वाटर को तेजी से उबालने से तो पानी में झाग या फैन बनता है। मतलब ये कह रहा है, अगर हम बॉयलर में जैसे पानी को गर्म करते हैं हार्ड वाटर को, तो वो तेज़ी से उफान लेता है और उसमें झाग उत्पन्न थोड़ा थोड़ा होने लगता है, ठीक है। जब जब हार्ड एकदम अनचाही क्रिया, जैसे कि अब धीमे हमने स्टीम दिए धीमे और वो एकदम रिएक्शन करने लगे, तो ये प्रकार से बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मिंग कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोसेसिंग, आपकी क्या है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइमिंग, बॉयलर में जब कठोर जल को गर्म करते हैं तो यह अचानक तेज़ी से उबलने लगता है, ठीक है। अचानक तेज़ी से उबलने लगता है, उसमें क्या था, जब हम गर्म स्टीम उसको दे रहे थे तो वह धीरे धीरे होता है और एकदम अचानक जो भी होता है वो भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अचानक से तेज़ी से उफनने लगता है तथा इसमें उफान आ जाता है, जिसके कारण भाप के साथ साथ जल भी क्या होता है, चला जाता है। लेकिन उसमें क्या था, भाप के साथ जल नहीं जा रहा था उफान होने के साथ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, भाप के साथ जल भी साथ ही उड़ रहा है, मतलब भाप के साथ जल भी जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। जैसे अब मैं बता दूँ आपको, अभी बताऊँगा कि बॉयलर्स में प्राइमिंग निम्न दो कारणों से होती है,
जिसका पहला भाप यदि तेजी से बनने लगती है तो अपक्रमण होने लगता है, मतलब भाप तेजी से बनेगी तो अपक्रमण होगा, या मतलब प्राइमिंग। बॉयलर में जब जल स्तर अधिक होने पर भी प्राइमिंग होने की संभावना होती है, मतलब अगर बॉयलर में अधिक पानी है तो भी उसमें मतलब प्राइमिंग की होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंडीशन हो गई इसकी। अब थोड़ा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं आप लोगों के, इसमें प्राइमिंग और फॉर्मिंग के डिसएडवांटेज से बॉयलर से जल के स्तर को ठीक ठीक पता नहीं लग पाता है, मतलब ये क्या कर रहा है बॉन जो प्राइमिंग या बॉयलर से में जल के स्तर का ठीक पता नहीं लग पाता है, ठीक ठीक सही से पता एक्यूरेट पता नहीं लगता, ये इसके एडवांटेज हो गए। और गीली भाप के बनने से भाप टरबाइन में क्या है वेपर प्रेशर वांछित स्तर तक बनाए रखने मुश्किल हो जाता है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मिली भाप जो भाप है आपकी बन रही है उसको टरबाइन में जब ले जाएंगे तो उसके वेपर प्रेशर को क्या करेंगे वांछित स्तर तक बनाए रखें मतलब मेंटेन रखने के लिए मुश्किल पड़ता है, मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, जब भी हमारे जो इस ये क्रिया होंगे डिसएडवांटेज इसके ये हो गए। ठीक है, तो ये प्राइमिंग एक बार से फिर मैं डिस्कशन कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि फॉर्मिंग क्या होता है। हमारे यदि कोई ओरिजिनल कंपाउंड है तो वसा मल आदि उत्पन्न जो बॉयलर में जब हार्ड वाटर को तेज़ी से गर्म करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम तेज़ी से ही गर्म कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है पानी में क्या आ जाता है झाग या फेनल बनने लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब पानी को जब तेज़ी से गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारे झाग या फेनल बनने लगेगा, तो उस क्रिया को हम कहेंगे फॉर्मिंग। ठीक है, और इसमें हम जब बॉयलर को खटो जल को गर्म करते हैं तो यह अचानक से क्या होता है अचानक से क्या होता है गर्म होने लगता है, तेज़ी से उफान आता है और उस उफान के वेपर के साथ जो भाप बनती है उसके साथ जल भी जाने लगता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे अपक्रमण। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर से आप लोगों के बॉयलर्स में स्लज यानी स्केल और फॉर्मिंग और प्राइमिंग समझ में आए होगा, तो लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहाँ पर अपडेट दिया जाता है समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।